भाई हम लोग आज सुबह मुंबई आ रहे थे, 6 बजे की फ्लाइट थी। ये महिला एक तो लेट कर दी थी, ऊपर से मुझे गरिया रही है एयरपोर्ट पर खड़ी होकर कि तुम्हारी ये कौन सी बस है, गलत बस में तो नहीं चढ़ गए? अरे मालिक, वही बस जा रही है उस फ्लाइट तक। भाई जब हम लोग बस पे चढ़े तो इन्होंने हमसे बोला कि गलत बस पे तुम नहीं चढ़ गए हैं। हमको लगा कि अब चढ़ तो गए हैं, अब उतरेंगे वहीं जहाँ ये बस उतारेगी, फिर उतर के पूछेंगे कि भैया कहाँ ले जा रही थी ये बस, कौन से विमान तक ले जा रही थी। चीजें लोगों को मजा आती है सुनने में, बेइज्जती होती है हमारी हो रही है। देखो अरे इतनी क्यूट, मैनेजर को कौन सीरियसली लेगा आप बताइए? मैं हड़का दूं तो ये मेरा काम कर दे भाई साहब। बड़ी डायन ने छोटी डायन का पीछा अभी तक नहीं छोड़ा है। भाई आप देख रहे हैं मैं इनसे बचने के लिए कितनी दूर आया हूँ मुंबई, तब भी ये मेरे बगल ही में बैठी हैं। एयरपोर्ट में जो आतंक मचाया था इस महिला ने मुझसे, कोई पूछे। 4 बजे तक यहाँ मेरा शूट खत्म हो जाना था, 10 बजे रात में हम अपने घर पे होते लखनऊ में, और शूट डिले हो गया, और कल मेरा बर्थडे है, और एकदम रह गए हम। अब आधा बर्थडे लखनऊ, आधा बर्थडे मुंबई होगा। मिथिका द्विवेदी है जवान खून, अभी तुरंत आई है होटल पे, और अब रात के 12 बजने का वेट कर रहे हैं कि दोस्त कॉल करते हैं। अब भाई साल में एक बार ये मौका मिल रहा है, एक दिन की नींद तो कुर्बान कर ही सकते हैं। एरोप्लेन में सो लेंगे, विमान में सो लेंगे। बर्थडे है मेरा, 3 घंटे में क्या कहना चाहेंगे आप? गाली जियो मेरे लाल। iPhone 13 Pro पक इतनी मेहनत कर रहे हैं, मेरा ही पैसा भी खर्च नहीं दे रही है। भाई कंपनी वालों ने एक होटल बुक किया हम लोगों के लिए रात में रुकने के लिए, ऐसा होटल निकल आया वो कि कंपनी वाले देख लेते तो मेरे पैर छूते आके कि हम उस होटल तक गए थे। भाई काउंटर के बाहर चप्पल उतरवाई जा रही थी वहां, सोचो। फिर भाई देखा मैंने वो नजारा जो कि मंदिरों के बाहर होता है, हमने कहा यहाँ तो नहीं रुक पाएंगे, देखो एयरपोर्ट पे बैठ जाएंगे, यहाँ नहीं रुक पाएंगे। पर खैर दूसरा होटल बुक किया मैंने अपने पैसों से कंपनी वालों।